विपक्ष को प्रश्न उठाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर सदन की कार्रवाई शांतिपूर्वक ढंग से चल रही है और काम हो रहे हैं तो उनको भी शांति बनाए रखना चाहिए। ये सबके हित में है, जनता के हित में है, सदन के गरिमा के हित में है, मैं यही कहूँगा इसमें। और हम लोग का तो जो पहले से है अप्रूव्ड है, राज्यपाल जी अप्रूव किए हैं, तो 27 से 24 तक बीच में 7 दिन के लिए छुट्टी है, 7 या 8 दिन की छुट्टी है, बाकी तो चलता रहे। देखिए यार, मैं भूल नहीं पाता हूँ अपने पुरानी ज़िंदगी को, राजनीति में आ गया हूँ, 28-29 साल पुलिस में रहा, CBI के साथ काम किया, तो लोकतंत्र की हत्या तो सबका प्रयोग नहीं कर सकता। हम इतने कहूँगा कि हमको, हम सबको कोर्ट पर, CBI पर, सेंट्रल एजेंसी पर विश्वास करना है और अपनी बात को रखना है सामने, और ज़रूर CBI सुनेगी, सही होगी बात तो ज़रूर सुनेगी। नहीं, उस पर नहीं बोलेंगे, उस अम्बा का अपना व्यक्तिगत विचार है, उस पर क्या बोलेंगे सर, ऐसा तो नहीं है, नहीं ऐसा है, वो कुछ हो रहे हैं ऐसा ना, हमको भी कभी बोल देते हैं, कुछ कुछ होता है बोल देते हैं, व्यक्तिगत विचार होता है, लेकिन उसमें सरकार को घेरने की कोशिश नहीं करते हम, व्यक्तिगत विचार होता है, आप छिपा नहीं पाते हैं अपने विचार को, तो बोल देते हैं कभी कभी। आपके एक विधायक ने कहा है कि सदन में अगर विपक्ष हंगामा करेगा तो उन्हें सदन से बाहर फेंकवा देंगे। नहीं नहीं, सफल तो बोलो, चलिए मैं कान से भी सुनना नहीं चाहता हूँ। देखिए, इस सत्र ये बजट सेशन है, बजट से ही जनता को लाभ दिलाते हैं हम, जरूर मिलेगा। आप 3 तारीख को सुन लीजिए क्या क्या देंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।